छोड़ गुब्बारा ही नहीं छोड़ा पीछे 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 हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय उपेंद्र तिवारी जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, नीचे का ही फेस आ रहा है, सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, आ रहा है, आ रहा है, एसपी भैया सब फेस सभी धावक संयम का परिचय दें, अनुशासन में रहें, स्पोर्ट्स एंड स्प्रिट का ध्यान रखें। ऊंचाइयों तक जाता हुआ कि 26वीं इंदिरा मैराथन प्रतियोगिता बस आपसे थोड़ी ही देर बाद आरंभ होने जा रही है। भरा वातावरण, खचा खच भरा ये परिसर, इस बात का संकेत यह जीवन पक्की में सबसे पहले हमारी महिला भारत तैयार है। धोती पीछे छोड़ने सभी सभी लोग पैर छोड़ दें, पीछे हट जाए, पूरा स्पेस उपलब्ध करें। अरे गुब्बारा बैलून जो उड़ाने का काम हो रहा है साइड में आ जाए। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन के शुभारंभ पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश खेल विभाग के निदेशक श्री आरती कुमार पदक लेकर के हिंदुस्तान को मान सम्मान को बधाई का ऐलान किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा आज खेलो इंडिया खेलों के तहत और फिट इंडिया फिट के तहत देश के अंदर खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम सब यहाँ आए हैं। इसलिए आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आग्रह करता हूँ कि मैराथन में जिस तरीके से आप प्रतिभाग कर रहे हैं, इसी तरह अन्य खेलों में भी आप प्रतिभाग करें। आपने सर इसके पूरा कार्यक्रम किस तरीके से आपने होगा और क्या क्या इसमें आपने इस विशेषताएं रखी है? देखिए आज हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज 36वें अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित कराया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस साल भी 19 नवंबर को चूँकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का आज जन्म दिवस है, उसके अवसर पर इस मैराथन का कार्यक्रम होता है। और यह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे पुराना मैराथन है और इसलिए इसमें 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ है
जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के हमारे खिलाड़ी पुरुष और महिला में भाग लेते हैं, और उसी के चलते आज पूरे देश भर से खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। ये दौड़ लगा करके आते हैं, जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पुरस्कार जो पाते हैं उनको 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 75,000 रुपये की धनराशि उन फर्स्ट सेकंड थर्ड महिला और पुरुष में दोनों खिलाड़ियों को, और बाकी 11 लोगों को और सहभाग करने वाले लोगों को 10,000-10,000 रुपये की धनराशि भी उनको पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। और इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के अंदर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया फिट के तहत आज खेल के अंदर जागरूकता बढ़ी है, और तमाम खिलाड़ी हैं कि गांव-गांव तक खिलाड़ी इसमें प्रतिभा कर रहे हैं। सर, कोविड के बाद ये पहली बार हुआ है जो इतने भव्य तरीके से मैराथन का आयोजन हुआ है, आगे के भी इस तरीके कई कार्यक्रम होने हैं, तो क्या उन कार्यक्रमों को तो पूरे किस तरीके से कंडक्ट किया जाए? देखिए, कोविड के बाद ये पहला कार्यक्रम नहीं, कोविड के बाद हमारे उत्तर प्रदेश और देश के खिलाड़ियों ने जो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया था, उसमें उत्तर प्रदेश का खेल विभाग एक ऐसा राज्य था कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जिन खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के खिलाड़ियों ने दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, ऐसे सभी खिलाड़ियों को इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे लखनऊ के अंदर पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पूरे देश भर के खिलाड़ियों को जो पदक प्राप्त करके आए थे, जो उसमें खेलने के लिए गए थे, उन सभी खिलाड़ियों को 42.5 करोड़ रुपए के रूप में पुरस्कार धनराशि देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग ने किया है। और अभी आपने देखा होगा कि